दोस्तों आप देखें कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल को यूज करते हैं, आप लोग भी अपने मोबाइल में, यहाँ पे देखें जैसे मेरे में है ये गूगल कैमरा, आप लोग भी अपने मोबाइल में गूगल कैमरा को देखें डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे गूगल कैमरा बहुत बेस्ट होता है, जैसे आपके देखें मोबाइल में नॉर्मल कैमरा होता है उससे कहीं ज़्यादा ये गूगल कैमरा होता है, क्योंकि ये गूगल कैमरा आपको मालूम है किस में होता है, ये जो पिक्सल गूगल पिक्सल के मोबाइल में आते हैं उसमें देखें कैमरा होता है, आप देखे होंगे उसमें देखें एक ही कैमरा में कितने ज़्यादा फीचर होते हैं। आप लोग भी अपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल कैमरा को यूज करना चाहते डाउनलोड करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मेरे में पहले से डाउनलोड है, इसमें देखिए डाउनलोड में आपको देखिए फोटो देखिए दिखा देता हूँ कैसे आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, आप लोग देख सकते हैं ऐसा आ रहा है, यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस वगैरह लाइट वगैरह कितना इशू है, इसीलिए फिर भी ये इतना आ रहा है। अगर आप लोग और भी इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, क्या सेटिंग करना होगा इसे और आप लोग कैसे यूज कर पाएंगे, जैसे मेरे में देखिए ये सब इशू करा और यहाँ पे देखिए इसका ब्राइटनेस कर दिया हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसका फोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। आप लोग देखिए अपने नॉर्मल मोबाइल से करेंगे तो उतना वो नहीं रहेगा, इसमें देखिए काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपके देखिए आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें नॉर्मल फीचर रहते हैं, ये फीचर नहीं मिलते हैं। आप लोग भी अपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे मेरे में इसमें है, अब जैसे मुझे अपने न्यू मोबाइल में करना है तो ये मेरा मोबाइल है और एक ये मोबाइल है, देखिए दो मोबाइल हो गए। अब मैं आपको देखिए डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इसके पहले आपको ये करना होगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है कि आप लोग कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, रेडमी रियलमी वीवो जो भी यूज कर रहे हैं कमेंट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो कैमरा होता है गूगल कैमरा बहुत बेस्ट कैमरा होता है, अगर आप लोग इसकी अच्छी सेटिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी फोटो आती है। आप लोग देखें नॉर्मल जो आपके मोबाइल में कैमरा होता है उससे कहीं ज़्यादा आपकी फोटो अच्छी आती है और इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपके मोबाइल में नहीं रहते हैं। जैसे आप लोग इसे चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसमें भी देखें प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूँ, दोनों मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कैमरा API, इसमें भी सर्च कर लेता हूँ कैमरा API, यहाँ पे देखें सर्च कर लेना है। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ये बता देता है कि आपके मोबाइल में क्या सपोर्टेड है क्या नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं मेरा ये मोबाइल है, ये वीवो का है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हाई प्राइस का ये है, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं है। आप लोग देखते हैं कैमरा फेसिंग बैक कैमरा ID और यहाँ हार्डवेयर सपोर्ट लेवल, और यहाँ लेवल यहाँ पे देखिए लिमिटेड है। अगर आपका यहाँ लेवल 3 रहेगा तो काफ़ी सारे इसमें फीचर आपको मिल जाते हैं, अगर यहाँ लिमिटेड फुल एक्सटर्नल लेगेसी अननोन ये कुछ आता है तो यहाँ पे आपको लिमिटेड फीचर मिलते हैं, आपको उतने अच्छे फीचर नहीं मिल पाएंगे, उतनी सेटिंग नहीं मिलेगी। अगर आप में देखें लेवल 3 आ जाता है तो आप लोग बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करने का ऑप्शन ये, अगर आप लोग के देखें मोबाइल में लेवल 3 आ रहा है तो बेस्ट है, अगर लिमिटेड वगैरह आ रहा है तो बहुत कम फीचर है, आप लोग यूज करना चाहें तो यूज करिए, नहीं आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मेरे में देखें सपोर्टेड है। दोस्तों जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आपको क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखे इसे डाउनलोड कर लिया था, अब इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपने मोबाइल के हिसाब से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके मोबाइल में क्या सपोर्टेड है आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, आपका एंड्रॉयड कौन सा है आपको अपने अबाउट में जाना है उसे देख लेना है। और यहाँ पे देखे ये ओपन हो रहा है और मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखे डाउनलोड हो गए हैं और यहाँ पे परमिशन के अलाउ कर देना है, इसे भी अलाउ कर देना है, इसे भी अलाउ कर देना है, यहाँ पे देखे सभी परमिशन को अलाउ कर दिया हूँ। जैसे मैं आपको इंस्टॉल करना बता दिया हूँ, यहाँ पे मेरे मोबाइल में देखे पहले से यहाँ पे सेटिंग है, अब वो कौन कौन सेटिंग करना होगा वो बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे ओपन हो गए और इसमें क्या क्या करना होगा वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसे साइड कर देता हूँ, ये कैसा लग रहा है आप फोटो देख सकते कितनी अच्छी फोटो आएंगी। और यहाँ पे सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट की अलग सेटिंग होती है, कैमरा की अलग सेटिंग होती है, सबकी अलग सेटिंग होती है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपके मोबाइल में यहाँ गूगल AWA यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट लगा हो ऑफ हो जैसे यहाँ पे रहता है तो आपको यहाँ पे कर देना है, इतनी सेटिंग यहाँ पे करना है। और यहाँ HDR एनहेंस, अगर आप में यह देखें ये हो अगर ये है तो आपको यहाँ HDR+ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ फ्रेम HDR
यहाँ भी देखे कुछ भी हो सकता है, आपके यहाँ प्लस कर देना है। यहाँ पे देखे ऐसा प्लस हो जाता है तो आपको यहाँ पे केवल वन करना है, ऐसे प्लस कर देना है। और यहाँ पे सेटिंग आपको देखे कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं, तो आपको इतना यहाँ पे कर देना है। ये तो हो गया कैमरा के लिए। और यहाँ जैसे आप लोग पोर्ट्रेट कैमरा के लिए करना चाहते हैं तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें भी आपको सेम सेटिंग को फॉलो करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ भी गूगल AWB देख लेना है, इसे भी आपको ऑन कर लेना है। यहाँ भी सेम आपको सेटिंग वही वाली कर लेना है, इनहेंस कर लेना है HDR+ और फ्रेम HDR+1 आपको कर देना है। इतना यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे देख लेना है, यहाँ जैसे मैं HDR+ यहाँ देखे पोर्ट्रेट में किया हूँ, आप लोग देखते हैं कितने अच्छा यहाँ पे फोटो आ रहा है। तो इस तरह आप लोग अपने कोई भी मोबाइल में यहाँ पे इसे देखे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इस तरह आप लोग इस सेटिंग को करके आप लोग अपने कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल कैमरा को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपके मोबाइल में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कैमरा का, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पे देखे इस पे आ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ सजेस्टेड वर्जन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। तो आप कौन सा देखिए, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 12+ है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर एंड्रॉयड 11+ है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको मोबाइल को देख लेना है कि आपका मोबाइल कौन सा है, कौन सा एंड्रॉयड है। जैसे यहाँ पे बैठ के आ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होगा, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सेटिंग ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ जैसे सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें अबाउट में जाना होगा, यहाँ हमें अबाउट डिवाइस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए पता चल जाता है कि आपका कौन सा एंड्रॉयड है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन 12 है मेरा, तो जो भी आपका वर्जन हो उस हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर वहीं पर आ जाता हूँ, जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे आपका एंड्रॉयड 11+ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे साफ सब सुख करा है, आप लोग जो भी यहाँ पे करना चाहें यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखे काफ़ी सारे वर्जन हो जाते हैं जो आप लोग डाउनलोड करना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेटेस्ट में है, थोड़ा सा ओल्ड है, आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये शो करेगा आपके अपने मोबाइल के हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करके जिस तरह प्रोसेस बताया हूँ इससे आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर APK फाइल को डाउनलोड करना है, फिर जिस तरह बताया उस तरह सेटिंग कर लेंगे तो आपके मोबाइल में कोई भी आपका मोबाइल है आप लोग अपने मोबाइल में गूगल कैमरा को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं।